श्री जैन ज्ञान मंडल सेवा ट्रस्ट एवं जागरूक युवा सेवा समिति सिटी पुलिस जोधपुर के सहयोग से कोरोना के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सेवाकारी संयोजक हितेश कबाड़, नवनीत डागा व प्रमोद सोलंकी ने बताया कि कोरोना एवं लॉकडाउन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाहर से आए मरीजों व उनके परिजनों को भोजन की समस्या से निजात दिलाने हेतु ट्रस्ट द्वारा शहर के विभिन्न अस्पताल, उमेद अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल एवं एम्स अस्पताल के बाहर संपूर्ण मानव जाति के लिए शुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत शनिवार को उम्मेद अस्पताल के बाहर यह भोजन उपलब्ध करवाया गया। ट्रस्ट द्वारा आयोजित सेवा कार्य में जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन भी उपस्थित हुए एवं सभी समाज सेवियों की हौसला अफजाई की। सेवा कार्य के दौरान धनराज मोहनोत, अक्षय मोनोत, धर्मी चंद लोनिया, शिव प्रकाश सोनी, द्वारका प्रसाद दादिज एवं गोपाल चौहान आदि मौजूद रहे। देखिए, अभी कोरोना का दूसरा लहर जो चल रहा है, उसमें ये ध्यान में आया है कि काफ़ी लोगों को आर्थिक रूप से भी परेशानी है। राजस्थान सरकार में बार बार कहा हुआ है कि कोई किसी भूखा नहीं रहे, और यहाँ आज उम्मीद हॉस्पिटल में जैन समाज के तरफ से जो खाना वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ था, उसमें मैं भी शामिल हुआ है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं और जिनको वास्तव में जो परेशानी है, उनको खाना बांटना एक बहुत अच्छा काम है। और पुलिस के तरफ से भी हम जो हमारा सामाजिक दायित्व है, उसके तरफ से जनता से जुड़ाव और जो ज़रूरतमंद है उनका खाना पहुंचाने का काम किया है। शुभ धर्म जैन न्यूयॉर्क मंडल का अध्यक्ष हूँ। जैन समाज की तरफ से ये एक संस्था तो व्यवस्था के लिए है, पूरा जैन समाज की तरफ से जोधपुर के अंदर 8 संस्था जो है इसका वितरण करने में लगी हुई है। जोधपुर में आया हुआ व्यक्ति कोई भी भूखा न रहे, ये हमारा संकल्प है।